1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार भारत को साझेदार रखना चाहती थी, लेकिन आजादी नहीं देना चाहती थी। इसलिए गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 1942 के बाद देशवासियों के सब्र का बांध टूट चुका था। इसी साल अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। इस दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में शिमला समझौते के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मान लिया गया था कि भारत की सत्ता पुराने ढंग से नहीं चलाई जा सकती। उधर मोहम्मद अली जिन्ना 1936 में भारत आकर मुस्लिम लीग को जिंदा करने में जुट गए। उनका मानना था कि देश में मुस्लिमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिन्ना ने अलग मुस्लिम राज्य की मांग शुरू कर दी। अंग्रेजों के बोए गए भय की फसल 1946 में कलकत्ता में काटी गई। 5 दिनों के दंगे में 5,000 लोगों की जान चली गई। देश में सांप्रदायिकता का विष इस कदर हावी हो चुका था कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिनके हाथों में देश की सत्ता थी वे अब असहाय हो चुके थे। देश की राजनीति में नया संकट आने ही वाला था कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी गई कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत में नए वायसराय माउंटबेटन की नियुक्ति की गई। माउंटबेटन की योजना थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाएगा। इनकी योजना के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। 2 देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए, लेकिन लोगों को किसी भी देश का नागरिक बनने की छूट दे दी गई, जिससे भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों में आपाधापी मच गई। और आखिरकार 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लाखों कुर्बानियों का नतीजा सामने था, लेकिन एक चीज कहीं बाकी थी। आजादी तो मिल गई, लेकिन मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। देश के माध्यम से देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं।